मैं हूं सहरिश नौरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुख और सुख। सादिक अब्बास से कमर रफीक की रिपोर्ट शामिल करते हैं। जी, मैं आपका मेजबान कमर रफीक प्रोग्राम दुख और सुख के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। सादिकाबाद के चक नंबर 7 के अंदर आज एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर गरीब किसान जो कि ठेके पर ज़मीन लेकर काश करता था और उसके जो हमसाया जिसकी 7 ज़मीन थी उनकी बदमाशी वहाँ पर अरूज पर है। उन्होंने इन पर हमला किया, इनके बंदों को ज़ख्मी किया और उनको जो है ना असले के ज़ोर पर डरा धमका कर उनको ज़मीन से जो है ना भगा दिया। हमारे साथ इस वक्त वो किसान मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, क्या मामला हुआ था, कैसे हुआ, ये सारा तफसील बताएं आप। सर मामला हुआ, हम सुबह खाला निकालने गए हैं, वो आ गए हैं, हमारे को रोकते रहे कि ये मिट्टी नहीं, आ गया सांझी मिट्टी होती है, हमने उठाई है वो मिट्टी, उठा के सैड भी की है और बोरे में डाली है। उसने वो हमारे को आके वो हाथ पाई किया, असला लेके आए हैं 8-10 बंदे, हमारे को काश नहीं करने देते। साल पहले भी हमारे से हाथ पाई की उसने, आज भी हमारे साथ, हमारे बच्चे जाते हैं वो धमकाते हैं, हमारे बच्चियों के साथ बदतमीजी करते हैं। ये वादा दिया हमारे कानून से हिसाब से दिया जाए हमारे पास। हमारे उस बंदे का नाम क्या है जिसके? मजीद है। मजीद है? हाँ जी मजीद है, बुरा जी। नाजरीन, आपने सुना हमारे साथ वो किसान मौजूद थे, उनका ये कहना है कि हमारे साथ जिन हजरात की ज़मीन है मजीद नामी बंदे की, उन्होंने 7 चक के अंदर जो है वो बदमाशी अपनी फैलाई हुई है। हम काश करने जाते हैं, हमें काश नहीं करने देते, असला है उनके पास, नाजायज़ असला उन्होंने रखा हुआ है, उससे जो है ना हमें डराते धमकाते हैं, हमें अपनी ही ज़मीन पर काम नहीं करने दिया जा रहा। इनका आला हुकाम से अपील है कि खुदारा इनको इंसाफ दिया जाए और इनको तहफ़ फराम किया जाए ताकि ये ज़मीन अपनी काश कर सकें और अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें।